हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल योर किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच। तो आज हम पास्ता सैंडविच बनाएंगे जिसमें काफ़ी सारी वेजीज भी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने भी इसे पहली बार ही ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे हम लेंगे 3 ब्रेड की स्लाइसेस। अब ब्रेड की तीनों स्लाइसेस पे हम बटर स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट स्टेप में हम पिज्ज़ा सॉस ले रहे हैं जो कि हमें एक ही स्लाइस पे स्प्रेड करना है। अच्छी तरह से हम इसे स्प्रेड कर देंगे। बाद नेक्स्ट स्लाइस पे हम मेयोनीज ऐड करेंगे, इसे भी हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नॉर्मल वाली ब्रेड अवेलेबल थी तो मैंने यूज़ की, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक स्लाइस पे पास्ता ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे प्याज जिसे हमने पहले से ही कट करके रखा हुआ है, इसे अच्छी तरह से ऐड कर लेना है। इसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटर की कुछ स्लाइसेस, इसे भी हमने पहले से ही कट करके रखा हुआ था। अब हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। हम इसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ऐड करेंगे। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। स्टफ की हुई स्लाइसेस को अब हम सेट करेंगे। अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने चीज़ स्लाइस ऐड की है। नेक्स्ट स्लाइस से हम इसे पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो अभी ग्रिल करने के लिए रेडी हो गया है। सैंडविच मेकर में दोनों साइड अच्छे से बटर लगा के इसे अच्छी तरह से ग्रिल कर लें। आप चाहें तो इसे तवे पे भी सेक सकते हैं। तो बन के रेडी हमारा पास्ता सैंडविच, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइज, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्रेस नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।